नेक्स्ट डीएसएस पे डीएसएस क्या होता है देखो अभी जैसे मैंने बताया डिसीजंस लेने हैं आपको उस डिसीजन को लेने के लिए जो जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन होगी उसको प्रोसेस करके आपको वो डिसीजन क्या लेना है वो पता लग जाएगा दैट इज़ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तो यानी कि इस सिस्टम में क्या होगा कंबाइंड डेटा एनालिटिकल टूल्स क्योंकि अभी ऑब्वियसली उस डेटा को एनालाइज करके ही पता लगेगा ना कि डिसीजन आपको वैसा लेना है या नहीं लेना है यूज़र फ्रेंडली ताकि यूज़ अच्छे से कर पाओ ईज़ीली टू सपोर्ट सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग एट मैनेजरी लेवल्स देखो जो स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग होगी वो तो हो ही है स्ट्रक्चर तरीके से जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है प्रॉपरली उन डिसीजंस को सपोर्ट करने के लिए आप डीएसएस का यूज करते हो कि आप ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी मदद से वो ला रहे हो डिसीजन पे आ रहे हो इसके features to to users, मतलब आप इसके फीचर्स क्या होंगे डिजाइंड टू डिलीवर केपेबिलिटीज़ नॉट सिम्पली टू रिस्पॉन्ड टू इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर्स प्रोवाइड टूल्स मतलब सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो वो तो फिर आईपीएस ही कर देता अभी आप एनालिसिस कर रहे हो डेटा का इन अ फ्लेक्सिबल मैनर उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए समझ गए ना कि सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि हाँ मेरे को कस्टमर्स का डेटा चाहिए आ जाएगा नहीं अब आपने उस कस्टमर को डेटा का एनालाइज करके उसका कुछ करना है तो पता लगेगा कि हाँ मेरे मान लो दो किलोमीटर वाले कस्टमर्स कितने हैं उनका डेटा चाहिए मेरे को क्योंकि उससे रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना है तो फिर वो रेलिवेंट वही दो किलोमीटर वाले ही उठाएगा है ना सो, सो तो, तो उसका एनालिसिस कर रहा है वो डेटा का डिसीजन के लिए फिर फोकस ऑन स्पेसिफिक सेट ऑफ डिसीजन जैसे रूटिंग क्यूइंग एक्सेट्रा नॉट मेंट फॉर जनरल यूज वही है जनरल यूज़ के लिए नहीं एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना है उसके लिए है ना एम डाट टॉप एंड मिडल अब लोअर लेवल को तो ये सब नहीं होगा ना प्रॉपर डिसीजन मेकिंग तो ज़्यादा टॉप और मिडिल लेवल ही करते हैं इसलिए उनके लिए फिर रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क अब डिसीजन जो लिया जाएगा वो कम्युनिकेट होना ज़रूरी है ना तो अगेन ऐसे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होने ज़रूरी हैं ताकि वो डेटा प्रोसेसिंग प्रॉपर हो पाए कि जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट चाहिए वो आ पाए आपके पास उस पर्टिकुलर डिसीजन नहीं तो फिर आएगा ही नहीं प्रॉपर रिक्वायर एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन ऑफ दी एंड यूजर्स कि एक्चुअल उसका डिसीजन का इम्पैक्ट पे है या जिसको वो डिसीजन चाहिए था कि हाँ करें ना करें क्या करना है उसका पार्टिसिपेशन चाहिए क्योंकि वही एक्चुअल में बता पाएगा ना कि हाँ ऐसे, ऐसे करना है ऐसे करना है इस ये करो वो करो एडवाइसेस देगा सजेशन देगा तो उनका पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है तो ये डी एस एस होगा इसमें आ जाओ नेक्स्ट देर आर सेवरल टाइप्स अब इसके भी टाइप्स हैं ठीक है उसके किए थे इसके भी टाइप्स हैं फाइल ड्रॉर सिस्टम डेटा एनालिसिस सिस्टम एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग मॉडल्स रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स तो ये सब बहुत सारे होंगे अब देखो एक चीज़ समझना जब ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम शुरू शुरू में आया था मतलब इसका डेवलपमेंट हो ही रहा था उस टाइम सिर्फ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग पे फोकस करते थे कि हाँ एक बंदा है उसको एक डिसीजन लेना है तो उसने ये डीएसएस का यूज़ कर लिया अब यहाँ पे ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी बन चुका है मतलब जो डी है पहले आई डी हुआ करता था इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के लिए अब आई ये जो डी है ये जी डी GD, भी हो गया यानी ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ है इस ताकि ऑब्वियसली ग्रुप डिसीजन जो है उन को भी हेल्प करता है सिर्फ इंडिविजुअल एक ही इंसान को नहीं ग्रुप डिसीजन में भी हेल्प करेगा ये ठीक है मतलब जब ग्रुप में बैठे होते हैं लोग तब डिसीजन लेना होता है तब भी आप ये सिस्टम का यूज कर सकते हो कंपोनेंट्स अब इसमें देखो क्या होगा ऑब्वियसली एक डेटाबेस होगा जिसमें सारा डेटा एक्चुअल डिपार्टमेंट्स से आएगा फिर एक मॉडल बेस होगा जिससे उस डेटा का एनालिसिस होगा मॉडल समझ लो ना मैथमेटिकल मॉडल्स वगैरह एनालिटिकल मॉडल्स तो उस डेटा का जो डेटाबेस से आएगा उसका एनालिसिस मॉडल बेस में होगा फिर डीएसएस जो कि मॉडल बेस से जो टूल्स आएंगे एनालिसिस वाले उसको और जो डेटा बेस से डेटा आएगा उसको दोनों को इंटीग्रेट कर देगा डीएसएस जो है इन दोनों को इंटीग्रेट कर देगा ठीक है यानी कि अगेन एक ऐसा यूजर फे इंटरफेस जो कि हेल्प करेगा आपको उस डिसीजन पे पहुंचने के लिए अब डिफरेंस कर लो ये भी बहुत बार है ना पूछ लेता है कई बार आ, देखो एम एम आई एस जैसे मैंने बोला यहाँ पे सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लो कि आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी आपको है ना वहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे हो उसका उसका क्यों कर रहे हो डिसीजन लेने के लिए जैसे यहाँ लिखा है टू सॉल्व दे प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है एम आई एस में यू हैव टू वेट फॉर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एम आई एस यूनिट और डी एस एस वाला मोस्टली ऑनलाइन जैसे होता है उस सिस्टम के थ्रू आता है तो वो आपको जैसे जैसे चाहिए वैसे आपको दे देगा दे, है ना जैसे आप बोलोगे ये प्रॉब्लम उसका वो दे देगा दे इसके हिसाब से ये आंसर है फिर एम आई एस में वो अगेन रूटीन और स्ट्रक्चर्ड डिसीजनस के लिए होता है जैसे मैंने बताया डी एस एम डी एस एस में बताया ना कि वो अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी uh, स्ट्रक्चर्ड वाले बोल लो जो रोज़मर्रा के नहीं होते कि हाँ आज ये डिसीजन लेना है उस हिसाब से फिर लेना है तो वो रूटीन का नहीं है ना काम की रोज़ रोज़ चल रहा है नॉन रूटीन काम है ठीक है तो ये वाला नॉन रूटीन ठीक है दिस इज़ प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन दिस इज़ टूल फॉर डिसीजन मेकिंग मैंने बताया रिलेटिवली इनफ्लेक्सीबल वो फ्लेक्सीबल क्योंकि ये तो अगेन एज़ पर जो भी हम प्रॉब्लम देंगे वो होगा ना तो ये तो फ्लेक्सिबल ही है उसमें तो जो है वैसे ही है, तो ये तो इनफ्लैक्सीबल है ठीक है ये डिफरेंस भी आप लिख सकते हो पूछ लेगा तो लिखना ही पड़ेगा तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है डिसीजन मेकिंग वाला ठीक है काफ़ी अच्छा चैप्टर था इसमें से बहुत क्वेश्चन मतलब आते ही है मोस्ट प्रॉब्ली सो या कर लेना अच्छे से मिलते हैं नेक्स्ट में आई थिंक ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग हो गया हमारा यूनिट नेट ऑर्गेनाइजिंग में मिलते हैं चलिए बाय बाय बंद करो हो जा